लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर की बात है। अब किसी माई के लाल में दम हो तो खामोश रह के बताता, या तो आप लोग कब्रिस्तान चले जाएं, या तो हिंदुस्तान खाली करें। अब एक शेर पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान खाली कैसे करेंगे बताऊं तरीका? बोलिए इजाजत है, इजाजत है। अब देखिए ये लोग जाना चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे, ये फैसला आप लोग कीजिएगा। हुकूमत घर इजाजत दे, हुकूमत घर इजाजत दे तो अक्सा के ये दीवाने। जो खड़े हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, या तो इंतकाल कर जाइए या तो जिंदगी का सबूत दे दीजिए, दो में से एक काम कर दीजिएगा। हुकूमत मगर इजाजत दे तो अक्सा के दीवाने, हुकूमत गर इजाजत दे तो अक्सा के दीवाने, हुकूमत इजाजत दे तो अक्सा के दीवाने, हुकूमत के इजाजत दे तो अक्सा के ये दीवाने। फलस्तीन हिंद से जाने का जज्बा ले, नारे तीन रसों से जाने का जज्बा लेके, नारे तकबीर, नारे रिसाल मसलके आला हजरत खाजा का हिंदुस्तान, नारे ये तो अभी 25% भी नहीं था यार, अभी 25% भी नहीं था। अब अगले शेर में देखना है कि पूरा 100% होता है या उससे भी कम हो जाता है। अगला शेर, जो दिल में उल्फत जाने मसीहा है, जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे फलस्तीनी से मत उलझो, खबर तुमको नहीं वो सब, फलस्तीनी से मत ओ खबर तुमको नहीं वो सब, अरे सलाहुद्दीन अय्यूबी, सलाहुद्दीन अय्यूबी का सदका ले। सलाहुद्दीन अय्यूबी का सदका, सदका देखना है कि मुकम्मल आवाज आती है कि नहीं, सदका। अगर सदका लेके बैठे हैं तो ये इरादा कर लीजिए, और ये यकीन है, यकीनन बैठे अक्दस पर अलम लहराएगा अपना, यकीनन बैठे अक्दस पर अलम लहराएगा अपना, क्योंकि सलाहुद्दीन सा, सलाहुद्दीन सा हम लोग जज्बा ले, सलाहुद्दीन सा। आवाज मेरी लगी हुई है दोस्त,
मतलब आवाज बैठी नहीं प्रोग्राम की वजह से मुसलसल। अगर आवाज ठीक रहती तो पता नहीं क्या होता। इस हाल में भी ये हाल है। जो दिल में उल्फत जाने मसीहा है। अब हम सुननी है या नहीं? कौन सुननी? कौन सुननी? बरेलवी सुननी बहुत है लेकिन हम कौन सुननी है? बरेलवी सुननी है। और बरेलवी सुननी क्या होता है मालूम है? अरे जमाना छोड़ देंगे आला हजरत को न छोड़ेंगे। जमाना छोड़ देंगे आला हजरत को न छोड़ेंगे। सभी सुननी सभी सुननी यही पुख्ता इरादा हाले। सभी सुनी यही पुख्ता इरादा है। जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे हैं। हम कौन वाले सुननी हैं ये तो बता दिया हमने। अब करते क्या हैं? इधर मखदूम वाले यार जो सुननी होता है वो वलियों का अकीदतमंद होता है, वलियों की मोहब्बत रखने वाला होता है। इधर मखदूम वाले 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 उधर अहमद रजा वाले। इधर मखदूम वाले उधर अहमद रजा वाले। इधर बरेली आँख में बरेली आँख में बरेली आँख में दिल में खिचोचाल। बरेली आँख में दिल में खिचोचाल है। जो दिल लेके बैठे हैं लेके बैठे हैं लेके बैठे हैं। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। सुलह खुली नबी का नहीं सुनियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा। किसके लिए? तो मोहब्बत से बोल दे। सुलह खुली नबी का नहीं सुनियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा। नबी के लिए अगर दम है, 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 अगर दम है तो सुलह कुल्ली आ जा खुल के मैदान में। अगर दम है तो सुलह खुल्ली आ जा खुल के मैदान में। अगर दम है तो सुलह खुल्ली आ जा खुल के मैदान में। यहाँ हम खंजरे यहाँ हम खंजरे यहाँ हम खंजरे ताजू शरिया
या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद आला हजरत आला 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आपका नारा नहीं सुन पाए, माफ़ चाहेंगे, जरा एक बार फिर से लगा दीजिए ताकि लोग सुन लें। जिंदाबाद ताजो शरिया ताजो शरिया। बड़ी शायद कि आपने कुछ सीखा हो, मेरे ही समझ से आपने कुछ सीखा। क्या सीखा? क्या सीखा? नहीं, मेरे ही समझ से आपने क्या सीखा? मेरे ही समझ से आपको ये सीखना चाहिए कि जब किसी को इम्पोर्टेंट समझते हैं या किसी को अहमियत दी जाती है तभी बात समझ में आती है। जब किसी चीज को अहमियत न दी जाए तो उसकी कोई हकीकत नहीं होती। तो अब आप सोचिए कि किसको अहमियत देना है किसको नहीं देना है, ये आपकी मर्जी पर मुसल्लत है। अगर आप उसको अहमियत देंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। जो दिल में उल्फत जाने मसीहा है वही दरअसल बख्शिश का सहारा, लेके बैठे हैं लेके बैठे हैं। एक शेर पढ़ने की इजाजत चाहूंगा, इजाजत है? इजाजत है? निकाह पढ़ाने की नहीं मांग रहा हूँ, ना इजाजत है ना? तो अब मैं चाहूंगा कि अगर आप हजरात ने इजाजत दिया तो उस इजाजत का भरपूर फायदा भी आप हजरात हासिल कर लें। जरा एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से दोनों हाथों को बुलंद करके कह दीजिए या रसूल अल्लाह। महकती ही रही उनकी, ये नात का शेर है, महकती ही रही उनकी कई नस्लें कई फसलें, महकती ही रही उनकी कई नस्लें कई फसलें, महकती जो सरकार मदीना का, जो सरकार मदीना का, जो सरकार मदीना का पसीना लेके बैठे, जो सरकार मदीना का। यस अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद आला आला ताजो शरिया ताजो शरिया। मैं इन्होंने जो कहा है मैं उसकी तस्दीक किए देता हूँ, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा जा। मालूम है ये कमी किस लिए हुई है? ये कमी सिर्फ इसलिए हुई है कि हमने उर्दू से दूरी अख्तियार की, उर्दू जबान से को दूर कर लिया, उर्दू अदब से दूर कर लिया, इसीलिए आज हम लोग जो है उर्दू सही से न बोल पाते हैं न सही से समझ पाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस्लाम का एक बहुत बड़ा असासा उर्दू जबान में है, लिहाजा उर्दू से करीब हो, उर्दू जबान को सीखें, उर्दू जबान को बोले और इसी तरह से उर्दू को फरोग मिले। बुझते परेशान अपना अपना बंगला,
जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे हैं। भाई ने आला हजरत का नारा लगाया, एक शेर पढ़ दूं। किसी में दम नहीं है, किसी में दम नहीं है, किसी में दम नहीं है, किसी में दम नहीं है। अगर दम होंगे तो दम होगा तो बोलेंगे। किसी में दम नहीं है, किसी में दम नहीं है, अरे किसी में दम नहीं है, मात देकर वो निकल जाए। किसी में दम नहीं है, मात देकर वो निकल जाए। किसी में दम, किसी में दम नहीं है, मात देकर वो निकल जाए। क्योंकि इमाम अहमद रजा लब पर, इमाम अहमद रजा लब पर हवाला इमाम रजा लब पर हवाला हवाला लेके बैठे हैं। ये पैगाम मसौली है, पकड़ लो दामन असजद। ये पैगाम मसौली है, पकड़ लो असजद। तो समझो हम भी कोहे नूर हीरा आले। नारे तकबीर, जरा जोर से नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, मस्तके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। तो समझो हम भी कोहे नूर हीरा, पूरा मजमा हीरा लेके बैठे हैं। डराए थूक से कोढ़ी मुसलमान को मिटा देंगे, डराए थूक से कोढ़ी मुसलमान को मिटा देंगे, डराए थूक से कोढ़ी मुसलमान को मिटा देंगे। अरे कलेजी छोड़ दे, कलेजी छोड़ दे, कलेजी छोड़ दे, हम तो कलेजा कलेजी छोड़ दे, हम तो कलेजा लेके बैठे हैं। थोड़ा सा एक नासिहाना पैगाम भी सुन ले आप। सिर्फ वाहवा करने से काम नहीं चलता, जिंदगी में अमल भी जरूरी है। अभी आपने महसूस किया होगा कि जलजला आया था, आया था कि नहीं आया था। उसी दरमियान क्रिकेट मैच भी चल रहा था, है ना। फलस्तीनी की आहों से लरज उठी है धरती तक, फलस्तीनी की आहों से लरज उठी है धरती तक, फलस्तीनी से लरज उठी है धरती तक। मगर हम लोग क्रिकेट और तमाशा, ये बात ये गौर फिक्र का मकाम है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम नेकियों की आमिल हो जाए, नेकियों पर की राह पर चले। नबी की नात पढ़िए, दुश्मनाने दी गर्द कीजिए,
नबी की नात पढ़िए दुश्मना ने दी करद कीजे, नबी की नात पढ़िए दुश्मना ने दी करद कीजे, असद क्यों आप दुनिया का, असद क्यों आप दुनिया का झमेला झमेला लेके बैठे हैं जो दिल में उल्फत जाने मसीहा, लेके बैठे हैं वही दर असल बख्शिश का सहारा, लेके बैठे हैं वही दर असल बख्शिश का सहारा।